चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जामली नामक स्थान पर सड़क किनारे साइड में खड़े हुए ट्रक में पीछे से टक्कर मारकर बिलक्कर पलट गया है, जिसके कारण बिलक्कर चालक घायल हो गया है, जिसे 108 के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। बिलासपुर सदर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी तक हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जामली नामक स्थान पर सड़क किनारे साइड में खड़े हुए ट्रक में पीछे से टक्कर मारकर बिलक्कर पलट गया है, जिस कारण बिलक्कर का चालक घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार जामली स्थान में नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे क्लिंकर से भरा हुआ एक ट्रक नंबर HP644275 खड़ा किया हुआ था। इस खड़े ट्रक को बिलक्कर नंबर HP690863 ने पीछे से टक्कर मार दी है। खड़े हुए ट्रक के नीचे मैकेनिक काम कर रहा था। गनीमत ये रही कि ट्रक के नीचे काम कर रहा मैकेनिक बाल बाल बच गया और उसके समीप काफी लोग भी खड़े हुए थे। नेशनल हाईवे के समीप रिहायशी मकान भी था। अगर सड़क पर उक्त ट्रक न खड़ा हुआ होता तो वह बिलक्कर सीधा मकान के ऊपर जा गिरता, जिस कारण कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि इस सड़क दुर्घटना में बिलक्कर पलटने के कारण बिलक्कर चालक जोगिंदर निवासी बनेर डाकघर तंबोल गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे 108 के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। स्वारघाट के प्राथमिक उपचार के बाद घायल चालक को FRU नालागढ़ रेफर कर दिया गया है। बिलासपुर सदर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है और अभी तक हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मकान के आगे बिलक्कर की वजह से 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ इकट्ठा, तो मतलब उसको 108 में लेके ड्राइवर को स्वारघाट चले गए हैं। बाकी बोगी वगैरह ये बिलक्कर वगैरह इधर ही, दूसरी गाड़ी का भी नुकसान हुआ है और जो टायर बना रही थी गाड़ी उसका भी नुकसान हुआ है। बाकी और उसने शराब भी रखी थी। 12:01 बजे पहुंची। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।